नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। उत्तराखंड जल संस्थान ने कोविड संक्रमण के गंभीर होती स्थिति को देखते हुए घरों से कम निकलने और अपने पानी के बिलों का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करने की लोगों से अपील की है। जल संस्थान की ओर से कहा गया है कि इस समय स्थिति चिंताजनक है। जल संस्थान के कैश काउंटर चल रहे हैं, मगर कोविड कर्फ्यू की वजह से उनकी कार्यावधि में कटौती की गई है। उपभोक्ता कर्फ्यू में ढील की अवधि में दूसरी जरूरतों को पूरा करने को प्राथमिकता देता है, इसीलिए जिन सुविधाओं का लाभ ऑनलाइन उठाया जा सकता है उसका बेहतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पानी को लेकर किसी भी शिकायत के लिए जल संस्थान के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। देश भर के साथ साथ उत्तराखंड में भी जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बात अगर उत्तराखंड की करी जाए तो उत्तराखंड जल संस्थान की ओर से अब आम जनता से अपील कर रहा है कि घर बैठ के ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करी जाए, बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी पहल भी यहाँ पे देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से मामले यहाँ पे बढ़ते ही जा रहे हैं तो उसको लेके अब जल संस्थान ने लोगों से अपील भी यहाँ पे करती हुई नज़र आ रही है कि घर बैठ के ऑनलाइन माध्यम से गूगल पे हो या फ़ोनपे के माध्यम से पेमेंट करी जाए। पौड़ी गढ़वाल के आम आदमी पार्टी के प्रदेश युवा अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी लगातार चौबट्टा खाल विधानसभा के ग्रामीण बाजारों और ग्राम सभाओं में जाकर बाजारों और गांव को सैनिटाइज करवा रहे हैं। साथ ही उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस संबंधित दवाइयां, मास्क, सैनिटाइजर वितरित भी की जा रही हैं। साथ ही चौबट्टा खाल विधानसभा में उनके द्वारा घर घर जाकर लोगों को थर्मल स्कैनर के माध्यम से चेक किया जा रहा है। वहीं ऑक्सीमीटर से लोगों का ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। आम आदमी पार्टी प्रदेश युवा अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी बताते हैं कि कोरोना के संकट काल में सभी को मिलकर लड़ाई लड़नी है। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना में सबसे ज्यादा खतरा ऑक्सीजन लेवल कम होने का है। ग्राम पंचायत कुरख्याल, ग्राम कुरख्याल में ये जो संक्रमित व्यक्ति हैं 51 पॉजिटिव निकले हैं, और ये जो आम आदमी पार्टी के दिग्मोहन सिंह नेगी जी, उनका धन्यवाद करता हूँ जो हमारे गाँव में सैनिटाइजर किया, छिड़काव किया और दवाइयाँ भी बांटी, और जो ये सर उसका टेम्परेचर वाली मशीन बिना पिया दवाई वितरण किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। आम आदमी पार्टी को और दिग्विजय सिंह नेगी जी को धन्यवाद। लालकुआ के वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान ने विपक्ष की कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस कोरोना से नहीं अपने आप से लड़ रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है। जनता सब जानती है, इसका जवाब जनता देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार पूरी ताकत के साथ कोरोना में लगी हुई है और साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता बूथ स्तर तक लोगों की मदद कर रहे हैं। विश्वविख्यात पर्यावरण विद पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा जी के निधन पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने गहरा शोक व्यक्त किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने बहुगुणा जी के निधन को देश के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। विधानसभा अध्यक्ष ने सुंदरलाल बहुगुणा के निधन की खबर सुनते ही एम्स ऋषिकेश पहुंचकर उनके परिजनों के साथ दुख व्यक्त करते हुए अपनी सांत्वना दी। लक्सर में नीलधारा गंगा का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से नीलधारा गंगा के बीच सब्जी का कारोबार करने वाले सैकड़ों किसान फंस गए, जिनकी सूचना लक्सर प्रशासन को दी गई। लक्सर प्रशासन, जल पुलिस और एनडीआरएफ के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू कर दिया। लक्सर उपजिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि अभी तक 60 लोगों का रेस्क्यू कर बचा लिया गया है और सभी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। लक्सर उपजिलाधिकारी ने बताया कि जल नियंत्रण बोर्ड को फोन करके गंगा का जलस्तर घटाने के लिए कहा गया है, हालांकि जलस्तर घट रहा है। उपजिलाधिकारी ने बताया कि सभी लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश प्रशासन को भी सूचना दे दी गई है। आज हमारे द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया है, दूसरी ओर रेस्क्यू कर बाहर निकाले गए लोगों ने लक्सर प्रशासन का धन्यवाद किया। उत्तराखंड में लगातार 2-3 दिनों से हो रही बारिश से कई राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गए हैं और ऐसे में कई लोग फंसे गए हैं। थाना गोविंद घाट पुलिस ने अतिवृष्टि होने से लांबरगढ़ नाला में फंसे जैन मुनियों को जेसीबी के माध्यम से सकुशल रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया है। जैन मुनि आपदा में सड़क टूटने से बीते दिन से फंसे हुए थे। मसूरी में उत्तराखंड पुलिस हौसला मिशन के अंतर्गत मात्र शक्ति द्वारा संत निरंकारी मिशन के सहयोग से करीब 60 गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित कर रही है। मसूरी मात्र शक्ति की अध्यक्ष स्मृति हरि ने बताया कि उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार के विशेष सहयोग से मात्र शक्ति द्वारा मसूरी में पुलिस हौसले मिशन के तहत पुलिस के विशेष सहयोग से गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन बांटा गया। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि राशन उन लोगों तक नहीं पहुँच पाता जिनको हकीकत में जरूरत होती है।
बाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पीसीसी सदस्य सुनीता तमता ने कोरोना संक्रमण के समय में जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन की मदद दी जा सके, इसके लिए 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कांग्रेस हेल्पलाइन टीम को सौंपे। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम आयोजित किया था। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके उपरांत कांग्रेस पीसीसी सदस्य सुनीता टमटा ने कोरोना संक्रमण के दौर में कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाई जा रही हेल्पलाइन टीम को 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सौंपे और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान सुनीता टमटा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा बाजपुर में चलाई जा रही हेल्पलाइन की टीम लगातार लोगों की मदद करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की लगातार मांग की जा रही थी, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ने जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए काम किया है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।